दोस्तों इतिहास गवाह रहा है कि इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे किस्से दर्ज हुए हैं जो हमारा और हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा उठा देते हैं। मगर एक सच ये भी है कि उसी बीते हुए कल के कुछ काले पन्ने न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कई सवाल छोड़ गए हैं। क्या होता अगर मीर जाफर जैसे कुछ सत्ताधीन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को ना कबूला होता? क्या होता अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता? क्या होता अगर भारत को 1975 में इमरजेंसी के दौर से नहीं गुजरना होता? और क्या होता अगर भारत के एक महान वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन के 25 साल बर्बाद ना किए गए होते? जी हाँ, देशद्रोही नंबी नारायण और उनके वो 25 साल जिन्होंने भारत को 15 साल पीछे कर दिया। दोस्तों सवाल तो उठेंगे आज भी और कल भी। लाजमी है कि इतिहास की हर गलती का चिट्ठा तो हम नहीं खोल पाएंगे, मगर देशद्रोही कहलाए गए नंबी नारायण के संघर्ष का हिसाब तो लगाना ही होगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे भारत की बर्बादी की कहानी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इस देशद्रोही वैज्ञानिक का वो किस्सा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना था, और अब जो भी सुनेगा यकीनन अपनी नजरें झुकाकर एक सबक के रूप में उसे जिंदगी भर याद रखेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका दी फैक्ट लैंड पर एक बार फिर से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो भारत की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस से जुड़ी तमाम रिसर्च का काम यही संस्था करती है। आप सभी ने इसकी उपलब्धियों के बारे में जरूर सुना होगा। इसी संस्था का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करते थे नंबी नारायण, जिन्हें साल 1994 तक इसरो का महान वैज्ञानिक कहा जाता था, और फिर अचानक उन्हें दूसरे देश का जासूस करार दे दिया गया। नंबी नारायण का नाम आज के समय में बहुत आम हो गया है, क्योंकि एक तो इन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद साबित हो गए हैं और अब इनके जीवन पर फिल्म भी बन रही है। मगर आज से पहले कौन जानता था इन्हें? वैज्ञानिकों पर गर्व करने वाली देश की आधी से ज्यादा आबादी ने तो शायद इनका नाम तक नहीं सुना था। हालात ये थे कि जिस महान वैज्ञानिक के दम पर हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता रहा। उन्हें इंसाफ मिला, मगर इसमें करीब 2 दशकों से भी ज्यादा का समय बर्बाद हो गया। बर्बाद इसलिए क्योंकि 1994 में अगर उन्हें देशद्रोही घोषित कर जेल में न डाला गया होता तो हमारी स्पेस एजेंसी काफी पहले ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेती जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए काफी जरूरी हुआ करती थी, और भारत दुनिया के बाकी ताकतवर देशों को कांटे की टक्कर दे पाता। वैसे तो जाहिर है कि इसरो ने अब तक स्पेस की दुनिया में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन ये कहानी आज से करीब 40-50 साल पहले की। तब हालात आज से काफी अलग थे। अमेरिका और रशिया एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। रशिया ने सबसे पहले अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बना लिया था, तो वहीं चांद पर सबसे पहले पहुंचा था अमेरिका। ऐसे में अब सबकी नजरें थी हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर। उस दौरान हमारी भारतीय स्पेस एजेंसी भी अपने स्पेस मिशन को लेकर काफी अच्छे प्रयास कर रही थी, मगर यहाँ एक बड़ी समस्या ये थी कि स्पेस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरी टेक्नोलॉजी के लिए हम तब अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, जो कि काफी महंगे दामों में जरूरी सामान बेचा करते थे, और कॉम्पिटिशन के उस दौर में अक्सर ये देश अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने में काफी आनाकानी भी किया करते थे। ऐसे में चर्चा उठी कि क्यों ना हम अपने सारे प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी खुद अपने ही देश में तैयार करें। सभी साइंटिस्ट इस विचार से सहमत थे, और फिर रॉकेट को लेकर एक नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत में ही तैयार करने की कवायद शुरू की गई। यहाँ से कहानी में एंट्री होती है नंबी नारायण की। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जिस नाम की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं वो इसरो तक पहुंचा कैसे। दोस्तों पद्म भूषण नंबी नारायण का जन्म गोलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। उनके पिता नारियल का बिजनेस किया करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। प्राइमरी स्कूल के दिनों में ही उनका दिमाग पढ़ाई में काफी तेज था। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में हमेशा टॉप किया। इसके बाद इंजीनियरिंग करके वो एक शुगर फैक्ट्री में जॉब करने लगे, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उन्हें बेहद लुभाते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद अब बारी थी सपने पूरे करने की, और जब हौसला और जुनून साथ हो तो किस्मत भी हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाती है। वो कहते हैं ना कि लक फेवर्स द ब्रेव। नंबी नारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तमिल ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले नंबी की मुलाकात 1966 में विक्रम साराभाई से हुई थी, जो उस समय इसरो के चेयरपर्सन थे।
तब नम्बी रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पर काम कर रहे थे। सारा भाई हमेशा से ही इस बात के पक्ष में थे कि इसरो को सिर्फ क्वालिफाइड लोग ही ज्वाइन करें। ऐसे में नम्बी ने एमटेक के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया और फिर सारा भाई की कोशिशों से नम्बी को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, जो कि एक रिकॉर्ड था। नम्बी की उपलब्धि देखकर अमेरिका ने उन्हें नासा में जॉब करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन नम्बी नारायण ने अपने देश में ही जॉब करने को प्राथमिकता दी थी। 1970 के दशक में नम्बी ने भारत में फ्यूल रॉकेट तकनीक की शुरुआत की और फिर वो भविष्य के लिए और भी कई नई नई तकनीकों पर काम करने में लग गए। नम्बी को इसमें कामयाबी भी मिली और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर विकसित की। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब भारत स्वदेशी तकनीकें विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा था। उस वक्त नम्बी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे स्पेस मिशन पहले के मुकाबले काफी सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने उनकी बात मान ली और उन्हें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई और उन्हें इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद क्रायोजेनिक इंजन के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर सरल भाषा में समझाएं तो ये लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं। दरअसल रॉकेट इंजन की ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इससे पहले रॉकेट्स में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये दूसरे इंजनों के मुकाबले प्रति किलो ईंधन से कई ज्यादा पावर और थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस वक्त ये एक बेहद ही उम्दा टेक्नोलॉजी थी जिसकी हर देश को जरूरत थी। अमेरिका और रशिया इसे पहले ही डेवलप कर चुके थे और भारत में नम्बी इस प्रोजेक्ट पर जोर शोरों से काम कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि भारत जल्द ही ये टेक्नोलॉजी बना भी लेगा। ये जानकारी अमेरिका और रशिया तक भी पहुंच गई। दोनों ही देशों को डर था कि अगर भारत ने ये तकनीक विकसित कर ली तो पहले की तरह वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर भारत से मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और भारत भी कहीं भविष्य में उनके बराबर न पहुंच जाए। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी साजिश की। बात है अक्टूबर 1994 की, जब केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार किया जिसका नाम था मरियम राशिदा। गिरफ्तारी के वक्त इनके पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन मिले थे, जिसके बाद आरोप लगा कि राशिदा इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की डिजाइन पाकिस्तान को बेचने वाली थी। इसके बाद केरल पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायण समेत दो अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि एस के शर्मा और लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा के दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे थे। महिलाओं ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक को हनी ट्रैप में फंसा कर ये डिजाइन हासिल किए थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नम्बी नारायण से पूछताछ शुरू की। नम्बी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। थोड़ी समय में ये मामला अखबारों की सुर्खियों में छा गया। बिना जांच परखे और पुलिस की थ्योरीज पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नम्बी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि गिरफ्तारी के समय नम्बी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी ने देश के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को कई दशकों पीछे धकेल दिया था। नम्बी नारायण चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर से उठा लिया गया और 50 दिन तक उन्हें जेल में रखा गया। अगले 2 सालों तक उन्हें अलग अलग एजेंसीज द्वारा कभी मेंटल तो कभी फिजिकल टॉर्चर दिया गया। हालात ये थे कि नम्बी नारायण ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। उनका मानना था कि अगर उन्होंने कोई गलत एक्शन लिया तो लोग उन्हें हमेशा के लिए ही गलत समझेंगे, और जब वो गलत है ही नहीं तो उन्हें अपने लिए लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। आखिरकार 26 सालों के कड़े संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला। केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद जब ये केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने अपनी जांच में नम्बी नारायण को निर्दोष पाया। जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नम्बी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था।
साथ ही इस बात के भी संकेत मिलेगी, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया और यही सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। नंबी नारायण ने भी अपने एक बयान में कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों की मदद से उन्हें फंसाने की साजिश रची थी। नंबी नारायण ने केरल के पूर्व DGP CB मैथ्यू और बाकी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी। बता दें कि CB मैथ्यू वही अफसर थे जिन्होंने इस जासूसी कांड की जांच की थी। CBI ने भी अपनी रिपोर्ट में नंबी की गिरफ्तारी के लिए इन्हें अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उन्हें बेगुनाह करार देकर सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया बल्कि उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। शंकर लिंगम नंबी नारायणन, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। वहीं केरल सरकार ने नंबी नारायण को 1,30,00,000 रुपए का कंपनसेशन भी दिया, लेकिन जो दिमागी उत्पीड़न एक देशभक्त को हमारे ही देश ने दिया उसके मुकाबले ये सब शायद कुछ भी नहीं था। साथ ही देश के विकास का जो कीमती वक्त बर्बाद हुआ वो अलग। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। दोस्तों, नंबी नारायण की कहानी से ये तो साफ है कि जहां बात आती है वर्चस्व की तो कोई भी देश किसी भी हद तक जा सकता है। खैर, इतिहास के इस दाग को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन इस महान वैज्ञानिक के नाम पर एक सैल्यूट तो बनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही द फैक्ट लैंड के लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।